आकाशम च दामरूम त्रयपत्र च विभर्ति काम दस्तुति एक वीरा काल रात्रि भक्त काम दस्तुति ओम स्वाहा। अरे अगर राजा भोज इस अनुष्ठान को करवाने में सफल हो गए और सक्तेश्वर को मटकी में बंद कर लिया तो वे मेरी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। अब शकुन इसे बंधन में बांधना असंभव है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं। सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता। आप बस यज्ञ करिए, रुकिए मत, हम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे। चंद्रहासम च दामरूम त्रयपत्रम च विभ्रति एक वीरा काल रात्रि। सप्तेश्वर अभी तक प्रकट क्यों नहीं? नहीं पाल सकता तू मुझे सूरज भान, नहीं पाल सकता। मैं मुक्त हूं और मुक्त ही रहूंगा। बंधना तो तुम्हें होगा शक्तेश्वर, और मैं तुम्हें बांध कर रहूंगा। ठीक है, मैं बताता हूं कि बंधन क्या होता है। मैं सूरज भान नहीं हूं कि तू मुझे रोक ले। क्या तुम सूरज भान नहीं हो? तो सूरज भान कहां है? सूरज भान कहां हो तुम? सक्तेश्वर भी बेहद शक्तिशाली है, वो इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं है। सक्तेश्वर को बांधने के लिए मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। क्या हाल है राजन? मान बेटा, आप यहाँ? जी मैं यहाँ। देखिए राजन, आप मुझे अपना शुभचिंतक समझे या ना समझे, लेकिन मैं अपने आप को आपका शुभचिंतक मानता हूँ। इसीलिए मैं आपको यहाँ ये समझाने आया हूँ कि आप सक्तेश्वर को वश में नहीं कर सकते। आप ऐसा कैसे कह सकते? ऐसा मैं इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि आप महाराज सूरज भान नहीं है, और महाराज सूरज भान अगर जीवित होते तो केवल वे ही ये कार्य कर सकते थे, क्योंकि सक्तेश्वर की आत्मा को वश में करने का तंत्र भी सिर्फ उन्हें ही पता था। इसीलिए मैं कहता हूँ राजन कि हट छोड़िए, जिद का घड़ा फोड़िए, और मान लीजिए कि आप हार चुके हैं और इस परीक्षा में असफल हो गए, और चलिए उज्जैनी लौट चलिए। नहीं श्रीमान बेटा, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक शक्तेश्वर को वश में ना कर लूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूं। और अगर सांसें बची ही नहीं तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं अपने लक्ष्य तक ना पहुंच और मेरी सांसें मेरे साथ। देखिए राजन, जिद करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए जिद छोड़ दीजिए। वैसे जिद से मुझे याद आया कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब छोटे थे तो वो बचपन में एक चीते के साथ खेल रहे थे, और उन्होंने जिद ठान कि वे चीते से तेज दौड़ कर दिखाएंगे, और वे दौड़े भी, लेकिन चीता नहीं दौड़ पाया, वो कहीं और दौड़ गया। ये मुझे क्या हो रहा है? इमान बेताल, ये क्या हो गया आपको? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं आपकी कुछ सहायता करूं? जब जब तुम पथ भ्रष्ट होगे तब तब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ईमान बेटा, कुछ करूं मैं? आप क्या मदद करेंगे? आपने कभी बंदर देखा है? बेताल तो कह रहा था कि महाराज सूरज भान ही शक्तेश्वर को बांध सकते हैं, पर यह कैसे संभव है कि महाराज नहीं है तो यह कार्य होगा ही नहीं? मेरा मन कहता है कि होगा, पर कैसे? मिल गया मुझे मार्ग। यदि मैं भी सम्राट विक्रमादित्य के समान अपनी अंतरात्मा को महाराज सूरज भान के शरीर में स्थापित कर दूं तो यह कार्य हो जाएगा। यही उपाय है
सत्येश्वर को बंदी बनाने का। मैं यही करूंगा। अब मुझे महाराज के मृत्यु की घोषणा कर देनी चाहिए और प्रजाजनों को यह बता देना चाहिए कि शक्तेश्वर से उन्हें अब अपनी रक्षा स्वयं करनी है। मंत्री जी महाराज आप जीवित हैं? मंत्री जी, धर्म का कभी अंत नहीं होता। मेरे पुनर्जीवित होने का कारण उस पापी शंकतेश्वर का अंत है। तब तो महाराज शीघ्र ही उसका अंत कर दीजिए, अन्यथा उस राज्य को शमशान बना देगा। महाराज उसका अंत होगा, अवश्य होगा। पहले आप मुझे मेरे कक्ष तक ले चलिए। जी महाराज, आइए। मुझे बचाओ इस खुजली से, मुझे बचाओ। यहाँ तो काटा है, मेरा गोलू यहाँ होता तो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देता। गोलू तुम यहाँ? गोलू, मुझे जल्दी से कोई रास्ता दिखाओ जिससे मेरी ये खुजली खत्म हो सके। क्या तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है? तो मैं क्या करूंगा? हे ब्रह्मदेव, ये क्या कर दिया आपने? मैं भावनाओं में बह गया इसलिए वो सब कर गया। अब मुझे माफ कर दीजिए ब्रह्मदेव। खुजली। ब्रह्मदेव की जय हो। गोलू, जल्दी से मुझे दिखाओ कि राजा भोज कहाँ है, कहीं वो परीक्षा में सफल ना हो जाए। इस व्यक्ति की नाड़ी रुक चुकी है, जीवन समाप्त है। परंतु ये है कौन? देखने से तो लगता है कोई राजपुरुष है। कोई भी हो, गति तो सबकी समान होनी है। बिल्कुल सत्य। तो आओ हम सब मिलकर इनका अंतिम संस्कार करें। ये लोग तो राजा भोज के शरीर को मृत समझकर इसका अंतिम संस्कार करने की बात कर रहे हैं। अब मुझे शक्तेश्वर को बंदी बनाने के उस सूत्र को खोजना होगा जो महाराजा सूरजभान के इस कक्ष में है। यही है वो मंत्र जिसका अनुष्ठान करके महाराज ने शक्तेश्वर को बंदी बनाया होगा। मिल गया मुझे उपाय। इस नक्शे में दर्शाया गया है एक गुफा को, जिसमें प्रवेश तो कर रहे हैं दो लोग लेकिन बाहर आ रहा है केवल एक। यही विधि होगी शक्तेश्वर को बंदी बनाने की। अब तो नहीं बचेगा शक्तेश्वर, नहीं बचेगा।
हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। शक्तेश्वर के कारण अब आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। मंत्री जी, आज्ञा महाराज। आप जाइए और जनता की चिकित्सा और सुरक्षा का प्रबंध कीजिए, हम एक कार्य पूरा करके आते हैं। जी महाराज। आइए आप सब। ये क्या हो रहा है मुझे और क्यों हो रहा है? मेरी आत्मा महाराज सूरजभान के शरीर को त्याग क्यों रही है? कहीं मेरे वास्तविक शरीर पर कोई संकट तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। हमने आसपास के गांव में भी पता कर लिया है, कोई भी नहीं जानता इस राजपुरुष को। मेरे विचार से, वैदिक रीति से, इसका अंतिम संस्कार अब शीघ्र ही कर दिया जाना चाहिए। ये ऋषिगण तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, मुझे रोकना होगा उन्हें, अन्यथा मैं कभी अपने जीवन में वापस नहीं लौट पाऊंगा। और अपनी प्रजा एवं पत्नी को जो मैंने लौटने का वचन दिया है वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए मुझे उनकी रक्षा के लिए जीवित रहना ही होगा। किंतु ऋषिवर, सूर्यास्त हो रहा है और शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी भी मनुष्य का दाह संस्कार करना वर्जित है, इसलिए हमें प्रातः काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। इसका अर्थ की मेरे पास समय है केवल केवल एक रात का, अब इतने ही समय में मुझे शक्तेश्वर को बांधना भी होगा और अपने शरीर में वापस भी लौटना होगा। अनर्थ ना हो जाए इसलिए मुझे निर्धारित समय में ही इस राज्य को शक्तेश्वर के संकट से मुक्त कर अपने शरीर में वापस लौटना होगा। चंद्रा संचतामरो शिरह पत्रम च विभूति एक वीरा काल रात्रि सह भक्त चह कामदास स्तुति। अब इस अग्नि चक्र को पार कर आगे नहीं बढ़ पाएगा शक्तेश्वर। सूरज भाई, मैं जानता हूं कि मुझे रोकने वाले तुम ही हो, किंतु अब तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा और तुम्हारे बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा, सदा के लिए। चंद्रा संचतामरो शिरह पत्रम च विभूति एक वीरा काल रात्रि सह भक्त चह कामदास स्तुति। चंद्रा संचतामरो शिरह पत्रम च विभूति एक वीरा काल रात्रि सह भक्त चह कामदास स्तुति। मेरा सब कुछ, मेरा शरीर, मेरी शक्ति और मेरी स्वतंत्रता छीनने वाले सूरज भान, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शिरह पत्रम च विभूति एक वीरा काल रात्रि सह भक्त चह कामदास। मुझे मुक्त कर अपने बंधन से सूरजभान, मुझे मुक्त कर और लौटा दे मेरा मस्तक। नहीं शक्तेश्वर, तुम्हें मुक्त करने का अर्थ है सारे संसार को कष्ट में डालना, और रही बात तुम्हारा मस्तक देकर तुम्हें पूर्णता देने की, तो तुम अपना मस्तक स्वयं ले लो। इस कलश में है तुम्हारा मस्तक, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? इस कलश को तुमने मुझसे पहले ले लिया तो तुम मुक्त, लेकिन यदि अगर इस कलश को मैंने तुमसे पहले ले लिया तो तुम हमेशा के लिए मेरे बंदी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। तो ठीक है, you
सूरज भवन मुझे पुकार, ये छल है ये। नहीं, दुष्ट और पापी के साथ किया गया छल छल नहीं बल होता है, और आज हमने बल से तुम्हें अपना बंदी बना लिया है। अब तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। भोर होने वाली है, इससे पहले कि ऋषिगण मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दे, मुझे अपने शरीर में शीघ्र वापस लौटना होगा। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रातः काल होते ही गांव वालों की उपस्थिति में सारे विधि विधान के साथ इस अज्ञात राजपुरुष का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कैसी विडंबना है कि इसकी अंतिम यात्रा में इसका अपना कोई परिजन नहीं। क्या करूं? अगर राजा भोज सही समय पर वापस नहीं लौटे तो ये लोग उनके शरीर का सवा सत्यानाश कर देंगे, और फिर राजा भोज के पास सिवाय हाथ मलते रह जाने के कुछ नहीं बचेगा। मैं ये तो चाहता हूं कि राजा भोज सिंहासन पे ना बैठे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उनका शरीर नष्ट हो जाए। इस कक्ष से शक्तेश्वर की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी महाराज, क्योंकि ये कक्ष योग मंत्र से सिद्ध किया हुआ कक्ष है। महाराज, अब आप इस कलश को इस स्थान पर स्थापित कर दें। महाराज, ये सच मेरे लिए अकल्पनीय है कि दो दिन तक मृत रहने के बाद भी आप जीवित हैं। क्या ये संभव है महाराज? मुझे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। ना ही ये कोई चमत्कार, ना ही ये कोई माया, ये तो बस महाकाल का आशीर्वाद ही। ये मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा अपनी आत्मा को महाराज के शरीर में प्रवेश करा के उन्हें जीवित कर पाया। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? विनाशकारी शक्तेश्वर के उत्पात को रोकना। धन्य आप राजन, जो प्रजा की भलाई के लिए आपने अपने जीवन को दाव पर लगा दिया। मंत्री जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मेरा वहां जाना अत्यंत आवश्यक, यदि मैं वहां वापस नहीं गया तो जीवित नहीं बचूंगा, मेरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। महाराज, है कहीं आपके जाने के बाद और महाराज के पार्थिव शरीर के पंच तत्व में मिलने के बाद यदि शक्तेश्वर मुक्त हो गया तो, और यदि वो मुक्त हो गया तो फिर से वही हाहाकार मच जाएगा पूरे राज्य में। महाराज, प्रजा की भलाई के लिए आपको यह रुकना होगा महाराज के शरीर में। ये तो आपने मुझे बहुत बड़ी समस्या के भंवर में डाल दिया। यदि मैं जाता हूं तो शक्तेश्वर फिर से मुक्त हो जाएगा, यदि मैं रुकता हूं तो मेरा अंत हो जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।